ये आपके सामने है, इसका नाम है स्टेथोस्कोप। ये क्या काम करता है आप देखिए। ये स्टेथोस्कोप, इसको हिंदी में क्या है, आला भी बोलते हैं। ये आला आपको नॉर्मली तौर से जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ आपको मिलेगा। इसमें क्या करते हैं, इसको हम कान में लगाने के बाद क्या करते हैं, इसमें एक स्विच होता है ऑन ऑफ का। इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तो किसी भी पुरुष या किसी महिला की या किसी बच्चे की धड़कन या नब्ज होती है या हार्ट बीपी होती है तो डॉक्टर कहता है सांस लो। तो इसमें आपको एक अलग से आपको जो वॉल्यूम होता है, जो आवाज़ होती है धड़कन की या ब्लड की फ्लो की जाने की आपको मालूम पड़ेगा। या पीठ पे लगाते हैं तो कहते सांस लो। इस प्रकार से जब लंबी सांस लेते हैं तो अंदर जो कमी होती है तो हमें इसके द्वारा सारी चीज़ मालूम हो जाती हैं। अगर आपने इसको ऑन ऑफ किया तो इसमें क्या है, इसको उंगली मारेंगे तो आवाज आएगी, तो मान लेना ये ऑन हो गया। और इसको क्या करते हैं, ऑफ कर देंगे और निकाल करके इसको क्या है, अलग कर देंगे। इस प्रकार से ये स्टेथोस्कोप का काम रहता है। और इसके बाद आप देखें यहाँ पर जो प्रैक्टिकल होते हैं ब्लड के, आप देखें दूसरे स्टेप में स्फिग्मोमैनोमीटर, एक भी डॉक्टर के पास आपको मिलेगा जो हमारे यहाँ लैब में रखा हुआ है। आप देख रहे, इसको आपके सामने खोल रहे हैं। ये स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करता है, इसको अगर हम ऑन करेंगे तो किसी का भी जो ब्लड होता है, ब्लड आपने सुना होगा बीपी, किसी का बढ़ जाता है किसी का लो होता है, तो आप ये देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको हैंड में, इसको राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में इसको क्या करते हैं, बांध लेते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आपको हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको हम बांधने के बाद और इसके क्या करते हैं, इसको हम इस वाली नली से इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद इसको क्या करेंगे, हम दबाएंगे। जब दबाएंगे तो क्या होगा, इसका जो पारा है, इसका जो पारा है वो क्या होगा, ऊपर को जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें कुछ नंबर भी दिए हैं, 20 से लेकर के 28 तक। अगर किसी का आपने ब्लड टेस्ट किया, अगर मान लीजिए उसका 180 है, तो मान लीजिए 180 है तो क्या होगा, उसका 120 से ऊपर अगर जाएगा तो क्या होगा, वो हाई माना जाता है। 120 से अगर नीचे जाता है तो क्या होता है, वो नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें लो का और हाई का दोनों का पता चलता है। आपने नॉर्मल तौर से देखा होगा ये सारा सामान या स्टेथोस्कोप आपको डॉक्टर के यहाँ मिलता है। और हमारी लैब में सारे प्रैक्टिकल इस प्रकार विधिवत तरीके से होते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, सारा मटेरियल अवेलेबल है। आप देख रहे हैं सारी स्पेसी में की जो स्लाइडें होती हैं, सारी स्लाइडें हैं, सारा सामान रहता है। ये आप देख रहे हैं इस बॉक्स में भी माइक्रोसन म्यूजिक स्लाइडें हैं, ठीक है ना। तो एक एक तरीके से बच्चे को हम सब चीज़ समझाते पढ़ाते हैं बताते हैं, डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार से हमारी लैब में, जूलॉजी की लैब में सारे प्रैक्टिकल होते हैं। ये आपका हमने आपको बताया है सारा मटेरियल, सारे स्पेसिमेन, सारे एनिमल की जो स्लाइडें हैं वो यहाँ पर रखी हैं, बच्चों से बनवाते हैं सिखाते हैं। और ये आपने देखा, मैं आपको बताया था इसका भी काम बहुत ज़रूरी है, ये भी हम बताते हैं बच्चों को। आपने इसका भी देखा, इसको भी बताते हैं। अगले जो भी प्रैक्टिकल होंगे, जब हमारा विद्यालय खुलेगा बच्चे भी आएंगे, तो जो प्रैक्टिकल होंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से आपको सब मिलेंगे। हम यहाँ जो हमारी लैब है ब्रिज इंटर कॉलेज राजगढ़ झांसी से, आपको ये सारा अवेलेबल होगा। जो बच्चे इसमें ऐड हुए हैं नहीं हुए हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको पढ़ें। कोई जो भी आपको अच्छा लगता है आप कमेंट्स करें, कोई प्रॉब्लम हो आप बताएं, सारी नॉलेज आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। धन्यवाद, आगे का काम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।